बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर हम 5M पढ़ेंगे। पहले 4 लेक्चर में हमने जस्ट मैथमेटिक्स ही किया है, उसमें मैंने कोई और बुक साथ स्टार्ट नहीं की थी। आज इंशाल्लाह ताला हमने मैथमेटिक्स के साथ मुताला पाकिस्तान को भी स्टार्ट करना है। पहले 4 लेक्चर चूँकि आपको पता थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स थे, परसेंटेज का टॉपिक था, उसमें अरिथमेटिक मीन्स का टॉपिक था, बॉड मैथ्स का टॉपिक था, डेसिमल फ्रैक्शन का टॉपिक था, और नंबर सिस्टम आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम वगैरह, वो थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने सिर्फ अकेला मैथमेटिक्स ही उसमें आपको करवाया था। तो आज जो है ना, मैथमेटिक्स के साथ इंशाल्लाह हमने मुताला पाकिस्तान को भी स्टार्ट करना है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक मैथमेटिक्स और मुताला पाकिस्तान दोनों हमारे कंप्लीट हो जाएँ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई और बुक जो है ना आपकी, मेरे ख्याल में इंग्लिश, और साथ हम स्टार्ट कर लेंगे इस्लामियात, उसके बाद फिर एवरीडे साइंस, और साथ हम जीके वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। साथ ही हम ASF का एक्ट जो है ना, ASF एक्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज को भी मैं आपको साथ है इंशाल्लाह ताला किसी दिन वो भी साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको भी 1-2 लेक्चर में वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा कवर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सीक्वेंस एंड सीरीज़, लेक्चर नंबर 5 में। ये कदरे आसान टॉपिक होता है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपके 2 नंबर जो है ना ये मुकम्मल हो जाते हैं, वह आपके सिक्योर हो जाते हैं। बाकी टॉपिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ये जो आसान टॉपिक्स होते हैं मैं समझता हूँ इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन तो आना ही आना है, सीक्वेंस एंड सीरीज से बाहर आपका इंशाल्लाह ताला पेपर जो है ना, ये दो क्वेश्चन लाजमी आने होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हवाले से। तो चलते हैं जी, आज सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें हमने दो हमारे पास टॉपिक्स में होते हैं। एक आपके पास आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम कहते हैं जमा तफरीक वाली सीरीज़, जमा तफरीक वाली सीरीज़, ठीक है, इसको उर्फ आम में हमने ये कहना है। और एक हमारे पास होगी जी जो है ना जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये गिवन लिखा गया यहाँ पर, इसको मैं क्लियर कर दूँगा आपके नोट्सों में, थोड़ा सा ये जो ना मिस प्रिंट हुआ है, तो ये सब ये आना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपका, ठीक है जी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ना जी, इसको हम कहते हैं ज़रब और तकसीम वाली प्रोग्रेशन, या ज़रब और तकसीम वाला सीक्वेंस, ठीक है जी। ये दो तरह के आपके पास प्रोग्रेशन होते हैं, ये आज के हमारे 2 टॉपिक्स होंगे। उसके बाद जो मुताला पाकिस्तान हमने स्टार्ट करना है, उसमें सबसे पहले आज मैंने 2 आपको जो है ना पर्सनैलिटीज़ के वाले से, काजी मोहम्मद अली जना और अलामा इकबाल, ठीक है जी, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब, इनके सारी जो ना इनके वाले से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, इनकी लाइफ के वाले से, अल्लामा इकबाल की राइटिंग्स के वाले से, इनके खिताबात के वाले से, टाइटल्स इनको कौन कौन से मिले हैं, इनकी फैमिली के वाले से, ठीक है, इसी तरह जो कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह हैं इनके वाले से, जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी लेक्चर नंबर 5 में आपके सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वाले से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन जो है ना, नंबर लाइन को समझना पड़ेगा। नंबर लाइन क्या होती है जी, सबसे पहले आपके दरमियान में होता है सिफर, सिफर के राइट साइड पे होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, ये आपके नंबर चलते हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे आता है जी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। मीन इसका मतलब क्या है, 0 में एक ऐड करें तो 0 के बाद आपके पास आता है 1 आ जाता है, 1 के बाद एक ऐड करें तो आपके पास 2 आ जाता है, 2 में एक ऐड करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह 0 से एक आप माइनस कर दें, 0 से नेक्स्ट जो है ना, 0 से नीचे जो नंबर है, हम आमतौर पर पूछते हैं जी सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, लोग कह देते हैं 0 है, हालांकि 0 छोटा सबसे नंबर नहीं है, 0 से छोटे भी मौजूद होते हैं। तो 0 से छोटा क्या है जी, -1, -1 से छोटा क्या है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -5, -6, -7, -8, माइनस, ये भी आर अनलिमिटेड, इधर भी कोई हद नहीं है, ये नंबर चलते रहते हैं, और इधर भी नंबर्स की कोई हद नहीं है, ये भी चलते रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम के हवाले से आपने ये नंबर लाइन आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। 0 से राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये 0 से लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 छोटा नंबर नहीं है, 0 से छोटे भी मौजूद होते हैं, ठीक है जी, यह बात क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि एक ऐसा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वाले का मतलब यह है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पिछली टर्म में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नई टर्म बनती है। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, 2, 3, 4, 5, 6, और कहता है इसके बाद बताएं क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आपने देखना है
पहली टर्म देखनी है, दो के बाद तीन कैसे आ रहा है, इसमें एक जमा करें तो तीन बन जाता है, तीन में एक जमा करें तो चार बन जाता है, चार में एक जमा करें तो पाँच बन जाता है, पाँच में एक जमा करें तो छः बन जाता है। मीन्स के हम पिछली टर्म में एक मुस्तकिल एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते जा रहे हैं हर टर्म में। इसमें भी एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इसमें भी ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया। मीन्स के एक कॉमन नंबर जो है ना, एक कॉमन नंबर हम अगली टर्म में ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे अगली टर्म हमें मिलती जा रही है एक सीक्वेंस एक तरतीब के साथ। यार ये जो नंबर की लिस्ट है चल रही है, तो इसको हम कहते हैं जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या ये इस तरह की क्वेश्चन जो ना आपका सीक्वेंस इस तरह भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया था जी 8 6 4 2, और उसके बाद कहता है बताएं क्या आएगा। तो आप देखें 8 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 2 माइनस कर रहे हैं, 6 के बाद 4 कैसे आ रहा है, 2 माइनस कर रहे हैं, 4 के बाद 2 कैसे आ रहा है, 2 माइनस कर रहे हैं। तो मीन्स के जमा करें या माइनस कर लें तो आपका अगली जो सीरीज है ना एक तरतीब के साथ बन रहा है, एक आपका सीक्वेंस बन रहा है, उसको हम कहते हैं जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम जमा तफरीक वाला सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें आपने एक कॉमन नंबर को जमा या तफरी करते हैं तो अगली टर्म बनती जाती है, वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और वो जो कॉमन नंबर होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स कि आपके पास ये है जी 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, आगे चल रहे हैं तो 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है, 2 जमा हो रहा है, 2 के बाद 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 2 जमा हो रहा है, 5 के बाद 7 कैसे आ रहा है, 2 जमा हो रहा है, फिर 2 जमा हो रहा है। मीन के ये जो कॉमन आपके पास नंबर है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मीन के 3 और 1 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 का, 3 और 5 के दरमियान कितना है, 2 का, 5 और 7 के दरमियान कितना है, 2 का, इसको हम कहते हैं जी कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि ये सीक्वेंस हम लिखते हैं किस तरह से हैं। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी 1 है, 1 के बाद मैंने लिखा 2, 2 के बाद मैंने लिखा 3, 3 के बाद मैंने लिखा 4, 4 के बाद मैंने लिखा 5। अब देखें ये कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है जी। ये आपके पास जो 1 है ना, 1 ये आपके पास होती है ए, ए के कहते हैं जी आपकी फर्स्ट टर्म, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म है ना, इससे ही सारी अगली टर्म जनरेट होती हैं। अब इसके बाद 1 के बाद ए के बाद हमने 2 लिखा, तो वो कैसे लिखा, ए में हमने 1 ऐड कर दिया, ए में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास दूसरी टर्म बन गई। अब जो 3 आई हमने कैसे ऐड किया, ए में हमने 2 ऐड कर दिया, ए में हमने 2 ऐड कर दिया। अब चौथी टर्म कैसी बन रही है, ए में हमने 3 ऐड कर दिया। फिर पांचवी कैसे बन रही है, ए में हमने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है, ए से क्या मुराद है, पहली टर्म। मीन्स के 1 में हमने 1 ऐड किया 2 आ गया, 1 में हमने 2 ऐड किया फिर 3 आ गया, 1 में हमने 3 ऐड किया तो 4 आ गया, 1 के हमने 5 4 ऐड किया तो 5 आ गया। मीन्स के जो हमारी पहली टर्म है ना उसमें ही हमने बार बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अब ए में पहले में हमने क्या किया, इसका जनरल फार्मूला फिर बनता है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो ये जनरल फार्मूला बनता है ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 2D से डी से क्या मुराद है, कॉमन डिफरेंस, 2D से मुराद क्या है जी, कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन के ये आपके पास पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, तो दूसरी टर्म में 1D, तीसरी टर्म में 2D, चौथी टर्म में 3D और पांचवी टर्म में 4D आ जाएगा। एक टर्म कम होकर आपके साथ इसको ऐड करते जाएंगे तो आपकी अगली टर्म आती जाएगी। तो ये जैसे जी आपके पास है जी ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस एन माइनस डी। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। अब इस क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं वो अब मैं दिखा देता हूँ आपको। हम ये क्वेश्चन 8-10 करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनना है। कहता है जी आपके पास क्वेश्चन है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 5, मीन्स के ए जो है आपका वो 5 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3, कॉमन डिफरेंस डी जो है आपके पास -3 है, फाइंड द 10th टर्म, 10वीं टर्म निकालें कौन सी बनेगी। ठीक है, कहता है जी ये 5 है, 5 का उसके बाद कॉमन डिफरेंस है -3, मीन के 5 से अगले टर्म क्या है, 5 में से 3 आप माइनस कर दें आपके पास 2 आ जाएगा, फिर 2 में से -3 करें तो आपके पास आ जाएगा -1, फिर -1 में -3 करें तो फिर आपके पास -4 आ जाएगा, फिर -4 और -3 करें -7 आ जाएगा, -7 में -3 करें तो -10 आ जाएगा, -10 में -3 करें -13 आ जाएगा, -13 में -3 करें तो आपके पास -16 आ जाएगा। कहता है जी इस तरह ये टर्म चल रही है, ये सीक्वेंस चल रही है, बताएं ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह चलते चलते कहता है जी बताएं जो आपकी 10वीं टर्म है, जो आपकी 10वीं टर्म है वो कौन सी टर्म बनेगी।
वो जो आपकी 10वीं टर्म है वो कौन सी टर्म बनेगी। तो ये आपके पास है जी फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपके पास आ गया जी 5, एन आपके पास आ गया जी, एन आपके पास आ गया 10, एन आपके पास क्या आ गया जी 10 आ गया, 10 में से एक माइनस, और डी आपके पास आ गया -3। 5 जमा आपके पास आ गया 10 में से एक निकाले 9, 9 को आपने उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 9 तीन बार, 9 9 को 3 से -27 बन गया -27। 5 में से -27 निकाल दें, 5 में से माइनस निकाले तो आपके पास आएगा -24। इसका आंसर करेक्ट आंसर है जी -24। ये गलत लिखा हुआ है, -24 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, -24 -24। ठीक है जी, इसको आपने करेक्ट कर लेना, मैं आपको नोट्सों में भी करेक्शन इसकी कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है जी, मैंने कहा था जी इन 5, 11, 17 और 23 इसमें बताएं नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास है 5, ये है 11, ये है 17 और ये है जी आपके पास 23। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है 5 के बाद 11 कैसे आ रहा है, 5 में 6 जमा करें तो 11 आ जाता है। अब 11 के बाद 17 कैसे आ रहा है, इसमें 6 जमा करें 17 आ जाता है। 17 के बाद 23 कैसे आ रहा है, जमा 6 करें तो आपके पास 23 आ रहा है। इसी तरह इट मीन्स का आपको पता चल गया कि जो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है जमा 6 है। अब 23 में हम जमा 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर 29 बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपने इसका आंसर ऐसे निकाल लिया। उसके बाद आपके पास है 8, 14, 20 और 26। 8, 14, 20 और 26 कहता है, इसके बाद क्या आएगा। 8 के बाद देखें 14 कैसे आ रहा है, 6 जमा करें 14, अगर 14 में के बाद 20 कैसे आ रहा है, जमा 6 करें 20 के बाद 26 कैसे आ रहा है, जमा 6 करें 26 के बाद अगली टर्म कैसे आएगी, जमा 6 करेंगे तो 26 के बाद आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी -3, 1, 5 और 9। -3, 1, 5 और 9 कहते हैं, इसके बाद बताएं क्या आएगा। इसके बाद देखें जी -3 में आपने 1 कैसे आता है, -3 के बाद 1 कैसे आता है, ये आप देखें, इसको आप नंबर लाइन से देख लें। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, इधर आपके पास -1 है, ये -2 है और -3 है। अब हम -3 से चले हैं, -3 से चल के तो आपने 1 तक पहुंचना है, ये -3 है, ये आपके पास 1 है। देखिए -3 के बाद 1, 2, 3, 4 मीन्स के 3 से आपने आगे की तरफ राइट साइड पे गए हैं, कितने नंबर गए हैं 4 नंबर। मीन के -3 में आपने +4 किया तो आपके पास 1 आ गया, यहाँ से आपके पास +4 किया आपने तो 1 आ गया। अब 1 में आपने +4 किया 5 आ गया, 5 में +4 किया तो 9 आ गया। इट मीन्स के हमारे पास कॉमन डिफरेंस +4 का बन रहा है, तो 9 के बाद भी 4 हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा जी, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4, -1, -6 और -11। 4, 4, -1, -6 और -11 इसके बाद कहता है क्या आएगा। आप नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 है और ये आपके पास 4 है। ठीक है जी, इस तरह इधर आपके पास आ गया -1, -2, -3, -4 वगैरह, ये आ गया। 4 से आपने -1 में आना, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास 4 है, 4 से आप लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 मीन्स के आपने 4 में क्या कर दिया, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे आप आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स के 4 में आपने क्या किया जी, -5 कर दिया, ये लेफ्ट साइड पर माइनस होता है ना, 4 में आपने -5 किया तो आपके पास आंसर आ गया -1। ठीक है जी, अब ये आपके पास आ गया जी, 4 में 5 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास कॉमन डिफरेंस -5। -1 और -6 के दरमियान भी -5 करेंगे, -6 पे पहुंच जाएंगे, फिर -5 करेंगे -11 पहुंच जाएंगे, फिर आप -5 करें तो -11 और -5 -16 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया करना है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है जी 12, 9, 6 और 3। 12, 9, 6, 3 उसके बाद कहते हैं बताएं क्या आएगा। 12 के बाद 9 कैसे आ रहा है, -3 कर रहे हैं। 9 में से 6 कैसे आ रहा है, -3 कर रहे हैं। 6 में से 3 कैसे आ रहा है, -3 कर रहे हैं। मीन क्या, आपके पास कॉमन डिफरेंस -3 आ गया तो 3 में से 3 कर आगे आपका आंसर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका 0 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास क्या जी, गिवन डैट 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8। 2, 3, 4 उसके बाद 6, 6, 9 और 8 कहता है, इसके बाद बताएं दो टर्म्स क्या आएंगी, इसके बाद दो टर्म्स क्या आएंगी। अब इसमें देखें क्या हुआ है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है, +1 करें। 3 के बाद 4 कैसे आ रहा है, +1 करें। 4 के बाद 6 कैसे आ रहा है, +2 करें। 6 के बाद 6 कैसे आ रहा है, कोई भी नहीं, इसमें 0 आप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें पहले +1 आया, फिर +2 आ गया, फिर 0 आ गया, 6 के बाद अब 3 जमा कर रहे हैं, 9 आ गया, 9 के बाद -1 करें 8 आ रहा है। अब यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस आपको बनता नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉमन डिफरेंस आपको बनता नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करेंगे,
आपने क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने ऐसे करना है कि पहला नंबर एक नंबर छोड़ के तीसरा नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के आपने पांचवा नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के ऐसे आपने ये अलहदा कर लेने हैं। मीन के जैसे ये आपके पास सीरीज है ना, तो आपके पास है 2 3 4, उसके बाद है 6 6 9 और 8। जब इसमें कॉमन डिफरेंस ना बन रहा हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने क्या करना है, पहला नंबर एक नंबर छोड़ के फिर अगला नंबर, एक नंबर छोड़ के फिर आपने अगला नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के एक नंबर, ये आपने अलहदा कर लेने हैं। 2 आपके पास आएगा 4 6 और 8, ठीक है, ये आपने अलहदा कर लिए। और जो बाकी बचे हैं ना, वो आपने अलहदा कर लेने हैं, वो आपके पास आएगा 3 6 और 9। अब देखिए इनको, आप ज़रा देखें, 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 3 3 2 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12, ठीक है। इट मीन्स कि इसके बाद जो आपके पास आंसर आने हैं, ये आपके पास आने हैं, ये आपके पास आने हैं, ये आपके पास आने हैं। 8 के बाद 10 आया, आप कैसे कर रहे हैं, एक नंबर छोड़ के कर रहे हैं, मीन कि 8 के बाद 1 नंबर छोड़ के आपके पास 10 आ जाएगा, और 9 के बाद 1 नंबर छोड़ के आपके पास 12 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 12 और 10, ठीक है जी, 12 और 10, ये वाला आंसर आपका करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन है जी 10 0 5 2 0। अब ये देखें, ये भी उस तरह का क्वेश्चन है, ये आपके पास है जी 10 0, उसके बाद 5, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास है 0, फिर आपके पास है 4, फिर आपके पास है -5 5, उसके बाद कहता है जी बताएं इसके आगे टर्म क्या आएगी। अब देखें 10 के पास 0 कैसे आ रहा है, 10 के बाद 0 जी कैसे आता है, आपने 10 में से 10 निकाल दें 0 आ जाता है। अब 0 के बाद 5 कैसे आता है, 0 में आप जमा 5 करें, 5 के बाद 2 कैसे आता है, -3। मीन के यहाँ पे कोई आपको सीक्वेंस बनता नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको कॉमन डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, पहले टर्म पकड़ें उसको अलहदा लिख लें, फिर एक टर्म छोड़ के दूसरी पकड़ें 5, फिर एक टर्म छोड़ के तीसरी पकड़ें फिर 0, फिर एक टर्म छोड़ के अगली पकड़ें आप -5 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 10 में से 5 निकालें, 5 5 में से 5 निकालें, 0 0 में से 5 निकालें, -5 -5 में से -5 करेंगे -10 आ जाएगा। इसी तरह आप ये वाले टर्म पकड़ें 0 2 4 0 जमा 2 2 2 जमा 4 4 4 जमा 2, आपके पास 6, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आना था, 6 आ रहा था, ठीक है। इसको कहते हैं मर्ज्ड सीक्वेंस, मीन के दो सीक्वेंस को पकड़ के उसने मर्ज किया हुआ होता है। बस यहीं तक क्वेश्चन बनता है, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ यही दो टेक्निक्स आपने याद करनी है, तो आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन सारे के सारे होते जाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास बन रहा है जी 5 2 2 5 -1 और 8, 5 2 2 5 -1 और 8। अब देखें इसमें इसमें वही काम हुआ है, 5 के बाद 2 3 3 में 2 के 2 और 5, कोई आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, फिर आपने क्या करना है, पहली टर्म एक नंबर टर्म छोड़ के दूसरी टर्म, फिर एक टर्म छोड़ के फिर उसके बाद ये छोड़ के, तो आपने ये वाली टर्म पकड़नी थी, तो ये इसमें है नहीं। अब हमने देखना है इसमें यहाँ पे क्या आता है, 5 में से 3 निकालें 2 2 में से 3 निकालें -1 -1 में से -3 निकालें तो -4, ये आपका आंसर यहाँ पे -4 आ जाना था, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करते जाना है, इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन कोई भी इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, सारे के सारे होते जाएंगे। उसके बाद आप बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें इसको हम कहते हैं ज़रब और तकसीम वाला आपका सीक्वेंस होता है। मीन्स के आपके पास इस तरह के सीक्वेंस बनेगा, जैसे 2 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32। मीन के पिछली टर्म को किसी एक कॉमन नंबर से आप अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपकी अगला टर्म बनती जाएगी, ठीक है। या इस तरह का आएगा, आपके पास आ जाएगा, आपके पास 16 8, उसके बाद 4 2, मीन के 16 को आपने 2 पे तकसीम किया 8 आ गया, 8 को 2 को तकसीम किया 4 आ गया, 4 को 2 पे तकसीम किया 2 आ गया, 2 को 2 को 2 पे तकसीम कर 1 आ गया। मीन के पिछली टर्म को किसी आपने कॉमन नंबर से, किसी एक कॉमन से आपने उसको डिवाइड या आपने मल्टीप्लाई करते जाना तो आपकी अगली टर्म आती जाएगी, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका जो फार्मूला होता है वो आता है जी ए आर स्क्वेयर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर n-1। मीन के आर कहते हैं रेशो को, कॉमन रेशो को, आर कहते हैं कॉमन रेशो को, ठीक है जी। अब देखें ये आपके पास क्वेश्चन है जी, इन अ गिवन प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 3, ए आपके पास 3 है, एंड द कॉमन रेशियो इज 2, आर आपके पास 2 है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म आपने निकालनी है। तो ऊपर हमने क्या किया था, a5 = a+4-1 × d, ये हमने किया था, ठीक है, 5-1 × d, या इसको आप इस तरह से याद कर लें कि आपके पास अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आ जाए तो आपने कहना है a5 आपके निकल गया a+4d, एक नंबर कम करके तो आपने उसकी कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कॉमन रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो a5 आपके पास होगा a
आर की पावर 4, एक नंबर आपने कम करके इसकी पावर लगा देनी है, रेशो की आपने पावर लगानी है, कॉमन डिफरेंस को आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास A5 हमने निकालना है, तो A5 हमारे पास आ गया जी ए आर की पावर 4। ए आपके पास क्या है जी, आपके पास ए आपके पास 3 है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म 3 है और रेशो आपके पास 2 है, 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें 3 × 2 की पावर 4 आपके पास 16 होता है, 16 × 3 = 48, तो आपका आंसर ये आ गया 48, ठीक है जी। इस तरह की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वही काम आपने बार बार करने हैं, 2, 6 और 18, 2, 6 और 18 ही कहता है अगली टर्म आप बताएं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 5, 10 और 20, 5, 10 और 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 12, ये देखें जी ये आपके पास है 3, 4, 6, 8, 9, 12 और 12, ठीक है। अब कहते हैं इससे आप मुझे बताएं जी अगली टर्म क्या आएगी, फिर वही काम 3 को 1 से आप देखें, 3 को 4 से कैसे करेंगे जी, कोई आपको कोई यहाँ पे कुछ रेशो बनती नजर नहीं आ रही, 3 को 1 जमा करें, 4, 4 में 2 जमा करें, 6, 6 में 2 जमा करें, 8, 8 में 1 जमा करें, 9, फिर भी हमें कोई समझ नहीं आ रही, ना ज़रब हो रहा है ना जमा हो रहा है। फिर वही काम करें, पहली टर्म एक टर्म छोड़ के अगली, एक टर्म छोड़ के उससे अगली, एक टर्म छोड़ के उससे अगली, आप देखें 3 2 बार 6, ठीक है जी, इसमें आप देखें 3, 3, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, तो ये एक टर्म छोड़ के 15 आएगा, लेकिन हमें ये वाली टर्म चाहिए। अंदर देखें 4, 4 2 2 बार 4, ठीक है जी, ये आपके पास 4 आ गया, उसके बाद आपके पास 8 आ गया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 आपके पास 16, ये आपके पास आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको एक नंबर छोड़ के एक सीक्वेंस को 2 सीक्वेंस में तोड़ के पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4, 2 और 1, 4, 2, 1 कहता है इसके आगे क्या आएगा, आप देखें 4 के बाद 2 कैसे आ रहा है, 4 को हाफ करें, 4 को 2 पे तकसीम करें 2 आ जाता है, 2 को 2 पे तकसीम करें 1 आ जाता है, 1 को 2 पे तकसीम करें तो आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, आपके पास है 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 और 2, कहता है इससे आगे क्या आएगी, आप देखिए 1 बाई 2 से 1 कैसे आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब 1 आ गया, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है जी 6, 3, 3 ओवर 2 और 4, 6, 3 और 3 ओवर 2, ठीक है, इसके बाद आकर बताएं क्या आएगा, आप देखें 6 में से 3 कैसे आएगा, 6 को 2 पे तकसीम करें 3 आ जाएगा, 3 को 2 पे तकसीम करें 3/2 आ जाएगा, 3/2 को 2 पे तकसीम करें 3/4 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 16, 9 और आपके पास आ गया 4, 16, 9 और 4, आप देखें ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, अब 16 को 9 पे किस पे डिवाइड करेंगे, 16 को 9 आ जाएगा, नहीं समझ आ रही, अब 16 में से कितने माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ना तो ये जमा तफरीक से एक जैसा बन रहा है, ना ही कुछ ज़रब से बन रहा है, और ना ही ये इतना लंबा सीक्वेंस है कि हम एक नंबर छोड़ के इसको अलहदा अलहदा कर सकें, इसका आपने क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन होता है। ये देखें 16 जो है ना ये 4 का मुरबा है, 9 जो है 3 का मुरबा है, 2 जो है 4 2 का मुरबा है, उसके बाद 1 का मुरबा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अगली टर्म क्या है जी, अगला सीक्वेंस आपके पास है 1, 9, 25 और 49, 1, 9, 25 और 49, आप देखें 1 से 9 कैसे आ रहा है, 9 से 25 कैसे आ रहा है, 25 से 49 कैसे आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ना तो जमा हो रहा है ना कुछ ज़रब हो रहा है, तो अब आप देखें 1 का मुरबा 1, 3 का मुरबा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1, 3, 5, 7 मीन के आपके पास ये जो ऑड नंबर देना है इनके ऊपर स्क्वायर चल रहे हैं, 7 के बाद 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी 5, 10, 2.5, 10, 5 और 2.5, कहते हैं 10 को 2 पे तकसीम करें 5 बन गए, 5 को 2 से तकसीम करें 2/5 आ गया, आप 2/5 को 2 पे तकसीम करेंगे 1.25 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने देखना होता है, पीछे आपने ट्रेंड देखना होता है कि पीछे आपके पास क्या बन रहा है, उसी ट्रेंड को ही आपने लेके आगे चलना होता है। उसके बाद मुताला पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, ये आज हमने पढ़ना है, सबसे पहले तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपने पीरियड ऑफ लाइफ याद करना है, 25 दिसंबर 1876 से 11 नवंबर 1948, ठीक है जी, 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर है, ठीक है जी, 11/9/1948, 25 दिसंबर 1876 से 11 सितंबर 1948 तक 71 साल इनकी एज बनती है, और ये जनाब वज़ीर मेंशन जो वज़ीर महली थी कराची में,
वहाँ पे जनाब इनकी पैदाइश हुई थी जो ना कायद अजम महमूद अली जिनाह साहब की। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है कि पैदाइश भी पूछ ली जाती है, वफात भी पूछ ली जाती है, उनकी एज भी पूछ ली जाती है कि कितनी एज उनकी मुकम्मल हुई है, और बर्थ प्लेस भी पूछ ली जाती है। तो ये आपने तीन चीज़ें याद कर लेनी है। फादर का नाम पूछ लिया जाता है जी जीना बाई पूंजा, जीना बाई पूंजा। ठीक है, तो ये जनाब एक ताजर थे। उसके बाद मदर, मदर मिठी बाई, मिठी बाई इनकी वालदा का नाम था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा पूछा गया पेपर में। ठीक है जी, समझ आ गई। केस्टन की क्या थी, खोजा थे। ठीक है जी, खोजा इनकी जो ज़ात थी। ठीक है जी, आगा खान के ये जनाब ये पैरोकार थे, फॉलोअर थे आगा खान के। ठीक है जी, सिबलिंग इनके जनाब सेवन या चार ब्रदर हैं और तीन इनकी सिस्टर्स थी। ठीक है, ये एल्डेस्ट मीन के सबसे बड़े थे। ठीक है जी, वाइफ्स इनकी एमी बाई है, एमी बाई जी जनाब जनाह साहब की कज़न थी। ठीक है, इनकी वफात के बाद फिर रतन बाई इनकी शादी उनकी हुई है। ठीक है, ये पारसी थी। ठीक है, अपने के दोस्त की बेटी थी इनकी रतन बाई, ये इंडिया से थी। ठीक है जी, ये जी ये पारसी थे, पारसी पारसी। ठीक है, समझिए आग की पूजा करने वाले। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ये परेशान जो करता है वो आमतौर पे ये नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं फीमेल्स के। उनकी जो मदर का नाम मिठी बाई है और इनकी जो वाइफ्स है ना वो एमी बाई और रतन बाई। इसमें जो वो पूछ लेता है बताएं जी वालदा का नाम क्या था, तो एमी बाई, मिठी बाई और रतन बाई तीनों चीज़ें इकट्ठी तीनों नाम लिखे होते हैं, फिर समझ नहीं आती। तो मिठी बाई को आप यूँ कर लें, स्वीट मोम से याद कर लें, स्वीट मोम, स्वीट मोम, स्वीट मोम, मोम स्वीट होती है ना। ठीक है, तो मिठी ये आपके पास, आपको पता है पंजाबी में जो है ना स्वीट को या मीठी चीज़ को मिठी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वीट मोम से आप याद कर लें मिठी भाई, तो ये इनकी वालदा हैं। बाकी जो जितने भी भाई हैं ना, एमी भाई और रतन भाई, ये उनकी बीवी हैं। ठीक है जी, और उनके बाद जो जो उनके बच्चे हैं सिर्फ जो ना एक बेटी है दीनावदिया जिना। ठीक है जी, दीनावदिया जिना जी रतन भाई की से उनकी पैदा हुई थी। ठीक है जी, आखिरी डेज इनके ज़्यारत बलोचिस्तान में गुजरे हैं। ठीक है, और मज़ारे काद कराची, कराची में है। ठीक है, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन के वाले से आफ्टर बींग टाट एट होम जनाब वाज सेंट 1887 1887 में जनाब सबसे पहले सिंध मदरसातुल इस्लाम में गए हैं कराची में। ठीक है जी, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी है स्कूल कराची से, जहाँ से जनाब इन्होंने अपना मेट्रिकुलेशन की 16 साल की उम्र में। ठीक है, मोहम्मद अली जनाब सेंट टू इंग्लैंड बाई हिज फादर टू एक्वायर बिजनेस एक्सपीरियंस, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन बिकम अ बैरिस्टर। ही ट्रेवल टू इंग्लैंड इन 1892 एंड स्टडीड लॉ फॉर फोर ईयर एट लिंकन लिंकन इन कॉलेज। ठीक है जी, लिंकन इन कॉलेज ना, इसमें इन्होंने जाके अपनी जो ना लॉ की तालीम हासिल की है, ये आपने याद कर लेना। बी के मतलब यंगेस्ट इंडियन टू बी कॉल्ड बार एट लॉ एट एज ऑफ 19 साल की एज में जनाब इन्होंने जा बार एट लॉ की डिग्री इनको मिल गई थी। तो ये इनके एजुकेशन के वाले से आपने चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद टाइटल जो जना के कायद अजम जो ना टाइटल इनको जनाब दिया था मौलाना मुजाहरद्दीन शहीद ने। ठीक है जी, 1938 में उसके बाद ये कन्फर्म हो गया था जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से पहले सेशन में। फादर ऑफ़ द नेशन भी इनका खिताब है जिनको जो पीपल ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी खिताब इनके पास है। नाइट कमांडर ऑफ आर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ये भी जो ना बरतानिया हुकूमत ने इनको दिया था। मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी जो ना ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इनको खिताब मिला था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में बने थे। ठीक है, उसके बाद निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान इनको इनकी वफात के बाद 1963 में दिया गया है निशाने पाकिस्तान। ठीक है जी, उसके बाद कैरियर के वाले से ये चीज़ें सारी मैंने लिखी हैं, पॉलिटिक्स के वाले से इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल सादा सादा चीज़ें हैं। ये सारा पैराग्राफ पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये आपने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। आपका कायद अजम के वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। लामा इकबाल साहब की जो ना पीरियड ऑफ लाइफ आपने याद करना है, 9 नवंबर 1877 से 21 अप्रैल 1938 तक जनाब इनकी ये पैदाइश है, ये वफात है। फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद आपने याद करना है। मदर का नाम इमाम बीबी और केस इनकी शेख कश्मीरी है। दो इनके भाई थे शेख ता मोहम्मद और इकबाल। ठीक है, ये दो ही भाई थे। और उसके बाद फोर सिस्टर्स हैं, तालिया बीबी, करीम बीबी, फातिमा बीबी और जैनब बीबी। ठीक है जी, बीवियन की तीन थी, करीम बीबी, मुख्तार बेगम और सरदार बेगम। चिल्ड्रन इनके जो ना मिराज इकबाल, आफ्ताब इकबाल, जुवेद इकबाल और मुनज़्ज़ा इनकी बेटी थी। और टीचर जो थे इनके जो ना मौलाना रूमी को जी अपने उस्ताद मानते थे। ठीक है जी, उसमें इनके टाइटल्स हैं जी पोइट ऑफ ईस्ट, मुफक्करे पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत और इकबाल लाहौरी। ठीक है, ये ईरान वाले इनको लाहौरी इकबाल कहते थे। और किंग जॉर्ज फाइव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया एक दफ़ा, किंग जॉर्ज फाइव ने जनाब उनको सर का खिताब दिया था 1922 में। ठीक है, किंग जॉर्ज फाइव ये बरतानिया का जो किंग था ना पाँचवा वो। ठीक है जी, मज़ारे इकबाल जनाब लाहौर में, ये आप पढ़ लीजिएगा। अर्ली एजुकेशन लामा इकबाल साहब के ये तीन चार पॉइंट मैंने लिखे हैं आपको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल है इसमें। ठीक है, हायर एजुकेशन इन यूरोप, ये आपने पढ़ लेनी है। और इनका जो खास तौर पे जो आपने याद करना है, जो पीएचडी का जो इनका थीसिस था ना, ये आपने याद करना है, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये बड़ा पूछता है आमतौर पर। ठीक है, बुक्स के वाले से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है लामा इकबाल की। ये लामा इकबाल साहब की बुक्स हैं, बांगे दरा,
वाले जिब्रील, जरबे कलीम और अरमगाने हिजाज, ठीक है जी, ये सारी उर्दू में है, ठीक है। पहली आपके पास चार बुक्स उर्दू में है, उसके बाद ये पर्शियन में है, ठीक है, और ये आखिरी किताब जो अरमगाने हिजाज जो है ना, ये आपकी पर्शियन और उर्दू दोनों ज़ुबानों में है, ठीक है। ये कब कब पब्लिश हुई है ये भी आपने याद करनी है, और ये सारी इनकी जब कर लेनी कौन सी बुक कौन सी ज़ुबान में थी, ठीक है जी। पैट्रियाटिक पोइट्री इनकी थी, हमाला, नया शिवाला और तराना मिली, तराना हिंद, ये भी जनाब इन्हीं की पोइट्री इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये बड़ा पूछता है वो कि शिकवा जवाब शिकवा जनाब, ये जो पोइम्स हैं ये बड़ी फेमस पोइम्स हैं, ये कौन सी बुक में है, तो ये बांगे दरा में से हैं, ठीक है। ये आपकी इलामा इकबाल और कायद अजम के वाले से चीज़ें हो गई, ये आपने याद कर लेनी है। बाकी मैथमेटिक्स का टॉपिक आज आपका सीक्वेंस सीरीज़ वाला हो गया, ये भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हम कल जो है ना मैथमेटिक्स का नया टॉपिक वो हमने करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंशाल्लाह ताला कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नस्बत नासब वाले क्वेश्चन। और साथ जो मुताला पाकिस्तान है ये हमने कल एक और जो पर्सनैलिटी सर सैद अहमद खान, सर सैद अहमद खान साहब इंशाल्लाह ताला वो हम पकड़ेंगे करेंगे इसको, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम से फिर आगे हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, तो उससे आगे चलते चलते फिर जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आएंगे, 1857 की जंग आज़ादी करेंगे, उसके बाद वो सारा करके फिर जनाब 1947 में पाकिस्तान क़यामे पाकिस्तान के बाद फिर ऐसे ऐसे चलेंगे जैसे जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना गवर्नर जनरल बड़े हुए, मेजर सिकंदर मिर्ज़ा की कहानी सारी, फिर अयूब खान साहब, फिर यहिया खान साहब, भुट्टो साहब, और उसके बाद ज़िया साहब आ जाएंगे, ज़िया साहब के बाद बेनज़ीर, फिर नवाज़ शरीफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ़ साहब, ऐसे चलते 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 इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आज 2024 तक पहुंचेंगे। तो यूँ इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में आपका मुताला पाकिस्तान भी हम कवर कर लेंगे और साथ मैथमेटिक्स भी कवर कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला दो न्यू बुक्स हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह करते करते 2 से 2.5 माह में आपका सारे का सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।